गाइस आज हम सीखेंगे कि ट्रेनर कार्ड क्या होता है और प्राइस कार्ड क्या होता है। तो अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाके वो देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पोकेमॉन टीसीजी में पोकेमॉन और एनर्जी कार्ड छोड़ के और भी बहुत सारे डिफरेंट कार्ड्स हैं, जैसे कि ये ट्रेनर कार्ड। ये एक पोशन है। ट्रेनर कार्ड्स में आइटम्स, सपोर्टर्स और स्टेडियम जैसे यूजफुल कार्ड्स होते हैं, जो कि आपको मदद करेगा गेम को जीतने में। अपने टर्न में जितना मर्जी आइटम्स यूज कर सकते हो। आइटम्स में कुछ स्पेशल आइटम्स भी होते हैं जिनको टूल्स बोलते हैं, जो कि आप अपने पोकेमॉन से अटैच कर सकते हो। आप सिर्फ एक ही टूल कार्ड अटैच कर सकते हो अपने पोकेमॉन पे। ये है एक सपोर्टर कार्ड। आप हर टर्न में एक सपोर्टर कार्ड यूज कर सकते हो। और ये सेम चीज़ स्टेडियम पे भी लागू होती है, पर स्टेडियम का इफेक्ट दोनों प्लेयर पे होता है। हमेशा हर तरह के ट्रेनर कार्ड रखना चाहिए ताकि आप उसकी हेल्प से जल्दी गेम जीत सके। अब चलो ट्रेनर कार्ड को एक्शन में देखते हैं। नेस्ट बॉल, जो कि एक आइटम है, यह आपको मौका देता है कि आप अपने डेक से कोई भी एक बेसिक पोकेमॉन को चुन के अपने बेंच में डायरेक्ट रख सकते हो। नेस्ट बॉल की मदद से हमने बल्बासोर को निकाल के बेंच में रख दिया और अब उसे एनर्जी कार्ड से पावर अप करके रेडी रखते हैं। ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है कि आप अपने बेंच वाले पोकेमॉन को एनर्जी कार्ड अटैच करके रखें, पर ध्यान से, क्योंकि आप सिर्फ एक ही एनर्जी कार्ड अटैच कर पाएंगे हर टर्न। अब बारी है राउलेट की टैकल अटैक की। ब्रियॉन की ग्रास वीकनेस की वजह से उसे 20 डैमेज हुआ। ये एक दूसरा ट्रेनर कार्ड है। ये हाउ का सपोर्टर कार्ड है, जिसकी मदद से आप अपने टर्न में 3 एक्स्ट्रा कार्ड अपने डेक से ले सकते हैं। और ध्यान से, क्योंकि आप एक ही सपोर्टर कार्ड यूज कर सकते हो हर टर्न। अब उस लाइटनिंग एनर्जी की मदद से ब्रियॉन अब अपने सबसे ताकतवर अटैक कर सकती है, डिजार्मिंग वॉइस। और इसी के साथ राउलेट हो जाता है नॉक। जब आप अपने ओपोनेंट के पोकेमॉन को नॉक कर दोगे तब आप एक प्राइस कार्ड ले सकते हो जो आपने गेम के शुरू में रखा था। अगर आप सारे 6 प्राइस कार्ड ले लेते हैं तो आप गेम जीत जाएंगे। जब आपका एक्टिव पोकेमॉन नॉक हो जाता है तब आपको अपने बेंच से दूसरा पोकेमॉन निकालना पड़ेगा। आपका ओपोनेंट गेम जीत जाएगा अगर आपके बेंच में कोई पोकेमॉन नहीं है तो। तो हम यूज करेंगे बल्बासोर को। ये है एक पोशन कार्ड। ये एक आइटम है जो आपके पोकेमॉन का 30 डैमेज हील कर देगा। इस पोशन से हम यंगूस का 30 डैमेज हील कर देंगे। पोशन जैसे कार्ड से आप अपने एक्टिव या बेंच में रखे पोकेमॉन पे यूज कर सकते हैं। तो हमने बल्बासोर को आइविसोर में इवॉल्व कर दिया है। आइविसोर बल्बासोर का स्टेज 1 इवोल्यूशन है। ये टर्न अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आइविसोर के पास 2 ग्रास एनर्जी है और अब वो अटैक कर सकता है रेजन लीफ से। तो ब्रियॉन के ग्रास वीकनेस के साथ वो 60 डैमेज लेके नॉक हो गया। तो थैंक यू गाइस मुझे इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, और वीडियो को जरूर लाइक करना ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया। और लाइक करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरा कंटेंट अच्छा है। और कमेंट में आप बताना कि मैं और किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो हमें जल्दी से 1K का फैमिली पूरा करना है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बने रहना, क्योंकि इतना अच्छा वीडियोस और क्वालिटी कंटेंट तो मैं लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।